कुछ बच्चे तो यहाँ तक इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि घर में चोरी करने लग जाते हैं। ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं, एक नहीं कई शिकायतें हैं। माफिया गैंग के चंगुल में फंस जाते हैं, माफिया हावी हुए हैं। परिस्थिति ये हो गई कि गांव में यदि हम जाएं, गांव वाले बोलते हैं साहब जैसे जनरल स्टोर पे सामान मिलता है वैसे दवाई यहाँ ड्रग्स मिलते हैं कहीं भी। पुलिस को मालूम नहीं होगा पर गांव वाले तो सब जानते हैं ना। मेरे दौरे का उद्देश्य मैं ना आपको बताता हूं, किसी पे दोषारोपण करना नहीं, परंतु सिचुएशन के हालात जनता को समझाना। टेक्नोलॉजी में पूरा रिसर्च हो रहा है, डीआरडीओ में भी काफी प्रगति हुई है और मेरे ख्याल से कुछ जल्दी इसका तो हल निकलेगा ही, पर इन द मीन टाइम हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना। तो मैं कह रहा हूँ अभी साथ में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, डीजीपी साहब भी हैं, मतलब कुछ न कुछ करना है। बल्कि मैं तो दो कदम आगे जाता हूँ, मेरे को केंद्र की सवाल नहीं, साइड का सवाल नहीं, केंद्र की भी जिम्मेदारी है। यदि ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर इतना बड़ा पाकिस्तान परोक्ष रूप से जब हमला कर रहा है, पाकिस्तान की सह के बिना तो हो नहीं सकता गवर्नमेंट तो कर रहा है, तो उसमें यदि पंजाब सरकार कुछ कम पड़ रही है, ओपनली बोले ना, मांगे। कुछ बच्चे तो यहां तक इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि घर में चोरी करने लग जाते, ऐसी शिकायतें आ रही हैं, एक नहीं कई शिकायतें हैं। माफिया गैंग के चंगुल में फंस जाते हैं, माफिया हावी हुए हैं। परिस्थिति ये हो गई कि गांव में यदि हम जाएं, गांव वाले बोलते हैं साहब जैसे जनरल स्टोर पे सामान मिलता है वैसे दवाई यहाँ ड्रग्स मिलते हैं कहीं भी। पुलिस को मालूम नहीं होगा पर गांव वाले तो सब जानते हैं ना। मेरे दौरे का उद्देश्य मैं ना आपको बताता हूं, किसी पे दोषारोपण करना नहीं, परंतु सिचुएशन के हालात जनता को समझाना। टेक्नोलॉजी में पूरा रिसर्च हो रहा है, डीआरडीओ में भी काफी प्रगति हुई है और मेरे ख्याल से कुछ जल्दी इसका तो हल निकलेगा ही, पर इन द मीन टाइम हम हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना। तो मैं कह रहा हूँ अभी साथ में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, डीजीपी साहब भी हैं, मतलब कुछ न कुछ करना है। बल्कि मैं तो दो कदम आगे जाता हूँ, मेरे को केंद्र की सवाल नहीं, साइड का सवाल नहीं, केंद्र की भी जिम्मेदारी है। यदि ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर इतना बड़ा पाकिस्तान परोक्ष रूप से जब हमला कर रहा है, पाकिस्तान की सह के बिना तो हो नहीं सकता गवर्नमेंट तो कर रहा है, तो उसमें यदि पंजाब सरकार कुछ कम पड़ रही है, ओपनली बोले ना, मांगे।